नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज़। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमरपुर प्रखंड के सुप्रसिद्ध बाबा जेठ गौर नाथ महादेव मंदिर में बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री जयंत राज कुशवाहा ने पूजा अर्चना किया। मौके पर मंत्री जयंत राज कुशवाहा ने बताया, जेठ गौर नाथ महादेव मंदिर को जल्द ही पर्यटक स्थल के रूप में शामिल किया जाएगा। जेठ गौर नाथ महादेव मंदिर में दूर दराज के साथ साथ बड़े शहरों से सैलानी आएंगे, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगी। उन्होंने बताया, अमरपुर बाईपास निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है, 10 मीटर चौड़ी सड़क निर्माण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में तीव्र गति से विकास हो रहा है, यहाँ की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मौके पर पंडित रमन पाठक ने महिलाओं के लिए मंदिर परिसर के बाहर शौचालय निर्माण की मांग की है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही पर्यटन मंत्री से मिलकर जेठ गौर नाथ महादेव मंदिर को पर्यटन स्थल में शामिल करने की मांग करेंगे। मंत्री जी फतेहपुर गांव स्थित मां काली मंदिर भी पहुंचकर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना किया। इस अवसर पर अमरपुर विधानसभा के पूर्व विधायक जनार्दन मांझी, वीडियो राकेश कुमार, सीओ स्वाति कृष्णा, थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष विमल कुमार सिंह, मनीष कुमार झा, वार्ड पार्षद कुंदन कुमार, अरविंद यादव, सुदीन कापरी, भाजपा के नगर अध्यक्ष गौतम मोदी, चंद्रभानु महतो, विशनपुर पंचायत के मुख्य सूर्यदेव सिंह, मनोज सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। आपका कहने का मतलब जो है यहाँ के विकास का या जो भी मुद्दे हैं, तो उसके लिए हम लोग प्लान बना रहे हैं कि जो है जेठ गौर नाथ को कैसे हम लोग पर्यटन के रूप में विकसित करें। और सर्वप्रथम यहाँ के यहाँ का जो कनेक्टिविटी है, चूँकि सुल्तानगंज से लोग यहाँ आते हैं जल भर के, उस कनेक्टिविटी को ठीक करना है। उसका जिसको पर्यटन के रूप में कुछ कार्य पूर्व में भी हमारे पिताजी यहाँ के विधायक हुआ करते थे, इससे पहले हमारे पिताजी विधायक थे, तो उन्होंने काफ़ी कार्य यहाँ पे कराया था। एक हाईवे वगैरह यहाँ पे बना था और हम लोग देखते हैं आगे इसमें क्या कार्य हो सकता है। ये तो बहुत पंजवारा थाना पुलिस ने पंजवारा में झारखंड सीमा पर स्थित उत्पाद विभाग चेक पोस्ट पर जाँच के दौरान गोड्डा से भागलपुर जा रही आशीष नामक यात्री बस से 48 बोतल विदेशी शराब जब्त कर लिया है। जानकारी के अनुसार पंचवारा थाना के एसआई मनोज कुमार सिंह बॉर्डर पर जांच अभियान चला रहे थे। इस दौरान भागलपुर जा रही यात्री बस को उन्होंने जब रोककर तलाशी ली तो बस के लगेज में रखे दो बैग से शराब मिला। पुलिस द्वारा यात्रियों से पूछताछ में किसी यात्री ने बैग को लेकर स्वीकारोक्ति नहीं की है। बैग की जांच में पुलिस ने उसे रॉयल स्टेक ब्रांड का कुल 48 बोतल विदेशी शराब बरामद कर लिया है और थाने में अज्ञात तस्कर के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। अमरपुर के सैकड़ों एकड़ जमीन को पटवन की सुविधा देने वाले घोघा बियर के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। जेठोर के समीप चांदन नदी पर दशकों पूर्व बना घोघा बियर धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होता जा रहा है। करीब 2 वर्ष पूर्व बियर के ऊपर कर्मियों के द्वारा गेट खोलने के लिए बना रास्ता जगह पर टूट गया था। अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के बाद इसकी मरम्मती कराई गई, लेकिन अब इस बियर के एक पिलर के क्षतिग्रस्त हो जाने से इसका अस्तित्व पर ही संकट मंडराने लगा है। उस पिलर की स्थिति यह है कि वह कई जगह से दरक गया है। यदि इसकी जल्द मरम्मती नहीं कराई गई तो बियर कभी भी धस सकता है। मालूम हो कि घोघा बियर से क्षेत्र के हजारों एकड़ जमीन का पटवन होता है। विशनपुर पंचायत के मुखिया सूर्यदेव सिंह ने कहा, उन्होंने कई बार बियर की नए सिरे से मरम्मती की बात उठाई, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस संबंध में सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता सभु प्रसाद ने कहा, फिलहाल फंड का अभाव है, अगले वित्तीय वर्ष में इसकी मरम्मती कराई जाएगी। अमरपुर स्थानीय रेफर अस्पताल में अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अभय प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में अमर सीओ स्वाति कृष्णा, प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार, थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय, अवर निरीक्षक रामाशंकर सिंह, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक जितेंद्र कुमार वर्मा समेत अन्य कर्मियों ने कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लिया। सभी कर्मियों को मौजूद स्वास्थ्य कर्मी अभिषेक कुमार घोष के द्वारा आधार नंबर, मोबाइल नंबर, निवास पता का रजिस्ट्रेट किया गया। तत्पश्चात सभी कर्मियों को कोरोना वैक्सीन का टीका अस्पताल में पदस्थापित एनएम को दिया गया। वैक्सीन लगाने के बाद सभी कर्मियों को आधा घंटा तक डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया। मौके पर बीडीओ ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा, कोरोना वैक्सीन सभी लोगों को लेना चाहिए,
आज कोरोना की कहर महाराष्ट्र में तेजी से फैल रही है, जो काफी चिंतनीय है। आम लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा, सभी लोग अपने अपने आधार कार्ड एवं मोबाइल लेकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर कोरोना वैक्सीन का टीका बेहिचक लगाएं। टीका लगाने से आप भी सुरक्षित रहेंगे एवं परिवार भी सुरक्षित रहेंगे। वैक्सीन टीकाकरण में आम लोगों की खासी भीड़ देखी गई। आम लोग पूरे उत्साह के साथ अस्पताल पहुंचकर कोरोना वैक्सीन लेते नजर आ रहे थे। बांका जिले के फुली डूमर प्रखंड कार्यालय में परिसर स्थित आधार सेंटर पर दो दिनों से लगातार बिजली गुल रहने से आधार बनने का काम बाधित है। इस संबंध में सुपरवाइजर प्रीतम कुमार ने बिजली की आंख मिचौनी के दौरान दिन भर में महज 5 से 10 बचकहों का आधार बनाने का काम हो पाता है, जिससे काफी लाभुकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके अनुसार उक्त परेशानियों की सूचना वरीय पदाधिकारियों को भी दी गई है। कटोरिया देवघर मुख्य सड़क मार्ग पर राजपाड़ा ओवरब्रिज के निकट बुधवार को सुपर बाइक की सीधी टक्कर में पति पत्नी घायल हो गए। दोनों घायलों का इलाज कटोरिया रेफर अस्पताल में कराया गया। घायल की पहचान काजल कुमारी, पति मिथुन मंडल है। घायल मिथुन मंडल से मिली जानकारी के अनुसार अपने पति का इलाज कराने देवघर जा रहे थे। जैसे ही राजपाड़ा रेलवे ओवरब्रिज के निकट पहुंचा, सामने से तेज गति से आ रहे एक स्विफ्ट डिजायर ने धक्का मार दिया। धक्का लगते ही जोरदार आवाज के साथ बाइक एवं कार क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही कटोरिया थाना प्रशिक्षु डीएसपी मनीष आनंद को दी गई। मनीष आनंद ने त्वरित कार्यवाही करते हुए कटोरिया थाना के सहायक अवर निरीक्षक सर्वी कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों जख्मी महिला पुरुष को कटोरिया रेफर अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों का प्राथमिक उपचार किया गया। इधर दोनों बाइक एवं कार को जब्त कर कटोरिया थाना परिसर लाया गया। बेलहर प्रखंड के जीविका कार्यालय के विकास संकुल संघ में पारिवारिक आधार विविधता अभियान चलाया गया, जिसमें महिलाओं एवं सभी वयस्कों के लिए खाद समूह के अंतर्गत हरी सब्जी, दूध, फल, मांस एवं मछली में खाने की विविधता लाने का प्रयास किया गया। विवियम पारसनाथ की अध्यक्षता में बताया गया, जीविका दीदी को पारिवारिक आहार में परिवर्तन लाना है, बच्चों को साफ सुथरा रखना है। जीविका दीदी ने अपनी आहार परिवर्तन को हासिल करने में बीपीएम पारसनाथ ने बहुत दीदियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में दीपा कुमारी, उमा देवी, चंद्रकला देवी, पूजा देवी, सवरम खातून, राखी कुमारी, ममता कुमारी को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मानित करने में अकाउंटेंट आदित्य कुमार, एसी मंजर हसन, एसी इंचार्ज विकास कुमार, ऑफिस असिस्टेंट अविनाश कुमार, शैलेंद्र कुमार आदि उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सबसे आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा Facebook पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।